हेलो एवरीवन। तो सही ब्रेकआउट को कैसे पकड़े, देखिए ये आज का टॉपिक है। सही ब्रेकआउट को कैसे पकड़े, देखिए मार्केट में इस टाइप का एक डाउन ट्रेंड आया। इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल का पैटर्न बना। जब इस टाइप का रिवर्सल का पैटर्न बनता है तो एक सही ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सही ब्रेकआउट क्यों नहीं हुआ, इसको आप आवर्ली चार्ट में समझिएगा कि प्राइस सस्टेन ही नहीं किया। अब कई बार देखें कि प्राइस ब्रेकआउट की तरफ तो जाएगा लेकिन वहां पर रुकेगा ही नहीं। आप देखें कि ये देखिए ओपनिंग हुआ, यहाँ पे ओपनिंग के बाद तुरंत से प्राइस नीचे आ गया। ये ब्रेकआउट यहाँ पे होता तो ये सस्टेन करता तो एक अच्छा मूवमेंट मिलता, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया तो वापस इसी रेंज में आ गया। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने ट्रेड ले भी लिया तो आपको इसमें से कुछ मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें से निकल जाना चाहिए। ऐसे हमारा कोई ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना है। हाँ, प्राइस में सेलिंग नहीं है, अब हमें यहाँ पे पूरी तरह से सेल कब करना है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई पैटर्न बनने दीजिए। एक पैटर्न बना है, यहाँ पे ब्रेकआउट पेंडिंग हो गया, पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ नहीं तो वापस इस रेंज में आ गया। अब यहाँ पे रेंज से कोई भी अगर सही से कोई पैटर्न बनेगा तो फिर से इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अब देखिए इसमें हो क्या सकता है, इसको समझिए। अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, अगर निफ्टी में देखूं आवरली चार्ट में, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने का अटेम्प्ट किया, ये फेल हो गया और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। तो अब ये पूरा जो रेंज है, यहाँ पे रेंज में इसमें देख रहे हैं कि आरएसआई में भी पूरा एक रेंज बन चुका है और आरएसआई हमारा जो है बुलिश नहीं हुआ है कोई भी टाइम फ्रेम में। अगर हम देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम में, देखिए क्या हुआ कि आरएसआई यहाँ पे आया, 50 के जोन में आया और वापस यहाँ देखिए 40 के नीचे आज के दिन में ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। लेकिन पैटर्न का ब्रेकआउट या कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे कोई भी जबरदस्त सेलिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए आरएसआई अगर 40 के नीचे जाने लगे और पैटर्न भी बने, पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी हो, तो इसमें जबरदस्त मूवमेंट मिलता है। अब यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं बना है तो यहाँ पर नीचे मूवमेंट भी मिलेगा, तो हमारा कोई बड़ा ट्रेड नहीं बनेगा। बड़ा ट्रेड कब बनेगा, जब यहाँ पे क्लियर कट कोई पैटर्न बनेगा, तब। यहाँ पे बाइंग वाला पैटर्न बना था लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो अगर वापस अगर इस लेवल के ऊपर जाने लगता है तो वापस एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि आप इसको अगर डेली चार्ट में देखेंगे, देखिए कोई भी पैटर्न बना ना, कोई भी पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही कैंडल पे पूरा सब कुछ नहीं मिल जाता है, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न पे अगर आप ट्रेड करें या फिर चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करें, आपको बहुत सारा चीज देखना पड़ता है। एक यहाँ पे देखिए 2 दिन का यहाँ पे कैंडल बना है, हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने और फिर से ब्रेकआउट हो तो एक अच्छा मोमेंट होगा, इसी पैटर्न का टारगेट मिलेगा। लेकिन यहाँ से हमें एक आप बोलेंगे कि यहाँ पे नीचे आया तो क्यों नहीं खरीद लिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर आप देखेंगे कि डाउन ट्रेंड का फॉर्मूला को ये यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर चुका है, तो इस टाइप का अगर डाउन ट्रेंड का फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तो हम इसमें अप ट्रेंड का ट्रेड लेने में थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड का फॉर्मूला कैसे फॉलो कर रहा है, देखिए एक ब्रेकडाउन हो चुका है, नीचे आया, नीचे जाने के बाद वापस में रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया, 9 EMA पे, ठीक है। तो 9 EMA 20 EMA के नीचे है, तो अभी भी ये मार्केट सेलिंग में ही है, सेल ऑन राइस में ही है। थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस आने का कोशिश हुआ था और इस ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे बाइंग भी ट्रेड पकड़ा था, लेकिन इसका जो टारगेट था वो अचीव होने के बाद जो सेकेंड बाइंग का टारगेट था वो हमारा बाइंग का ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो सेकेंड बाइंग का टारगेट अभी तक हमारा नहीं आया है और सेकेंड बाइंग अभी हमारा ट्रेड भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर बात करें कि मार्केट क्या गिर सकता है बहुत ही तेजी से, तो इस टाइप का सीनारियो अभी हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, लेकिन सेलर्स एक्टिव होने से कुछ नहीं होता है, इसको एक लेवल को ब्रेक करना चाहिए और साथ में कोई अच्छा पैटर्न बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर अगर गिरता है तो यहाँ पे एक मूवमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस लेवल को ध्यान में रखिए, अभी मार्केट पूरी तरह से अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन में, तो आरएसआई भी देखिए आपका भी 40 और 60 के जोन में है और मार्केट भी पूरा रेंज में है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आरएसआई को ध्यान में रखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। जिस टाइप से आरएसआई यहाँ पे रेंज में है, मार्केट भी रेंज में है। हम भी आपको क्लियर कट यही बोल रहे हैं कि मार्केट में ये जो ट्रेडिंग है इसको अवॉइड करना है, क्योंकि क्लियर कट जो डायरेक्शनल ट्रेड था वो मिल चुका है। अभी यहाँ पे पैटर्न बनने दीजिए, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ भी क्लियर सिग्नल आने दीजिए। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।